विश्वर टेक्नोलॉजी विकास रे नेतृत्व नेउछि भारत। एआई विकास रे पथ प्रदर्शक साजिब देश। टेक्नोलॉजी विकास को भारतीय माने ग्रहण करिछन्ते। मोदी आवास रे बिल गेट्स को सह साक्षात्कार बेले जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य भली विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना करिछन्ते प्रधानमंत्री। टेक्नोलॉजी रे व्यवहार को भारतीय माने ग्रहण करिछन्ते। टेक्नोलॉजी रे पारंगम करबा को युववर्ग को सशक्त करा जाउछि। नमो ड्रोन दीदी अभियान सफल करने को प्रयास जारी रही। 3 कोटी लक्ष्यपति दीदी सृष्टि करार लक्ष्य। ग्रीन एनर्जी दिगरे भारत द्रुत काम करुछे। कोविड बेले टीका उत्पादन करी दक्षता देखाई भारत। शिल्प विप्लव क्षेत्र में बड़ परिवर्तन आनी भारत। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान लगी भारत प्रतिबद्धता। भारत डिजिटल विप्लव सारा विश्व देखी। भारत में कृषि क्षेत्र में बड़ विप्लव आसी। एआई द्वारा डीप फेक करिबा असीमिचिन एहाकु एड़ाइबा उचित। बिल गेट्स को नमो आप्र सफलता कथा कहले मोदी। गुणात्मक तथ्य बा क्वालिटी डाटा उपरे फोकस करिबा आवश्यक। गुणात्मक तथ्य साधारण लोक तथा वैश्विक हित पाई हेबा उचित। इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। ये किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी। ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यूएडेशन करेगी वो करती चलेगी, ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए। दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी। मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मिल जाता था। एक को और कोविन मैंने ओपन सोर्स कर दिया था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। तो ये मेरा अनुभव, उसका कारण डिजिटली बहुत लाभ हुआ है मेरे देश में। और हम शायद जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुए, फर्स्ट सेकंड, हम पीछे रह गए क्योंकि हम गुलाम थे। ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा और भारत इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज़ अगर प्रॉपरली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज़ है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक AI जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं AI से पहले काम वो लूं जिसकी मेरी महारत हो। आई थिंक एवरीवन यूजेस इट in the same day, you're surprised at how good it is, and you're also surprised at how bad it is. It'll do things you think are hard, and then it'll fail to do some things you think are easy. I started my trip here in Hyderabad, which was a nice occasion because Microsoft is celebrating 25 years in the country, and that's been such a fantastic experience. So I was definitely challenging the team there. Hey, we have to make the accuracy better. And for now, it's like a co-pilot. It helps suggest things, but the final decision about medicine or the letter you want to write, the final decision, we still have to review that, even though it may make us a bit more creative and a bit more productive. जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।